हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि भाई व्हाट इज़ द एजुकेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन मैनेजमेंट सो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी बट हम जानेंगे कि भाई मैनेजमेंट ओवरऑल होता क्या है मीनिंग क्या है इसका कैसे पता चलता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट हुआ है अच्छे से क्या क्यों करते हैं भाई मैनेजमेंट क्या इसका उद्देश्य रहता है एंड स्कोप क्या मैनेजमेंट करने से कुछ फ़ायदा भी होता है या ऐसे ही सिर्फ बात ही है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी ये इस सारे मैनेजमेंट के पहलू हैं कि हम जब सभी पहलुओं पे बात करते हैं लाइक like उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे प्रो एंड कॉन्स हम पढ़ते हैं ना कि भाई कोई चीज़ हम कर रहे हैं लाइफ में तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं और अच्छे चीज़ें भी होती हैं तो मैनेजमेंट में हम जब समझते हैं सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं लाइक like, कि क्यों है ये कौन सी प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं मीनिंग हो गया जिसमें हम फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ते हैं तो उसको बोल देते हैं करेक्ट्रिस्टिक्स कि भाई ये इसकी क्या विशेषता है मैनेजमेंट की विशेषता क्या है फिर हम उसके अच्छे अच्छे पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं लाइक like, क्या इससे क्या फ़ायदा होगा इससे क्या नुकसान होगा इसकी क्या मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी यू uh, नो you know, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव स्कोप इम्पॉर्टेंस नीड्स ये सभी हम पढ़ते हैं किसी भी, भी पहलू में राइट right? तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कोर है मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से वो सब जानते हैं मैनेजमेंट करना एक आर्ट है ठीक है like या प्रोफेशन है लाइक फंक्शंस क्या हैं इसके क्या थियोरीज हैं राइट तो बेसिकली हमें यहाँ पे यही जानने की कोशिश करनी है कि भाई मैनेजमेंट से क्या क्या चीज़ें होती हैं हम यहाँ पे कोई नोट्स नहीं बना रहे यहाँ पे कोई यू you नो know, रटना नहीं है हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मैनेजमेंट है क्या जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो हम क्या ही लिख पाएंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं चलिए तो मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट मतलब क्या मैनेजमेंट मतलब किसी चीज़ को हम यू नो मैनेज करके एक सीरीज में लगा के देख रहे हैं कि भाई ऐसे करेंगे तो हमारा काम सक्सेसफुल होगा मैनेज कर रहे हैं हम कह रहे हैं ना मैनेज कर रहे हैं मैनेज करना पड़ता है एडजस्ट कर रहे हैं द टर्म रेफर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज अंडर इन द सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क मतलब एक टास्क है आपके सामने तो इसमें इस, इस टास्क को कंप्लीट करना है अब इसमें छोटी 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 जो एक्टिविटीज़ हैं ठीक है थीके? उनको एक रेंज ऑर्डर में लगाना लाइक कि वो एक प्रॉपरली हो उसको बोल देते हैं रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अंडर अंडर टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली और एक तरीके से उसको एक सर्कल होता है और उसको कंप्लीट करने के लिए लाइक जैसे एक एनुअल डे होता है हमारे लाइफ हमारे स्कूल्स में तो एनुअल डेज में क्या होता है कि बहुत सारी सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं सेट ऑफ़ ड्रामाज होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वो इस एनुअल फंक्शन को कम्प्लीट करते हैं तो सेट ऑफ़ मैनेजमेंट उसमें भी एक मैनेजर होता है भाई वो सब उसके पास एक ब्योरा होता है जो एक एंकरिंग कर रहा व्यक्ति हो उसके पास एक पेज होता है जिसमें सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो एंकरिंग करते समय वो सारी रद रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ वो उसको होती हैं अगर वो अच्छे से करेगा तो वो कोई भी मैनेज जो भी एनुअल फंक्शन हो रहा है वो अच्छे से हो पाएगा विद इस तरह से ही मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई गेटिंग थिंग्स डन कि मतलब कि कोई भी चीज़ आ, हमें दी गई है कोई भी टास्क हमें कंप्लीट करना है तो हमें कलेक्टिवली उसको करना पड़ता है विद द सेट एक्टिविटीज़ तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी कि भाई आर्ट है कि कहना बड़ी बात नहीं होगी कि ये आर्ट है स्किल है कि एक यू नो नंबर ऑफ उसमें एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हाउ अ पर्सन टैकल दिस ये एक आर्ट ही है ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी हो कि वर्ल्ड डब्ल्यू एच ओ ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो जब हम आई आई एम एफ हो गई वो सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वर्क कर रही हैं लार्ज स्केल पर ताकि इ ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चरल सोशल बिजनेस ट्राइब्स ऑल ऑन देयर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स सभी ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी बात किया ये सभी कुछ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ लेके चल रही हैं कि हमारा ये गोल होगा कमिंग गोल हमारा ये होगा हमें ये ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ताकि हम इस गोल को अचीव कर पाएँ तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि हर एक यू नो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए करती है ऑर्गेनाइजेशन बनती ही इसलिए तो वैसे ही एक स्कूल uh, है स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है उसमें एक बिल्डिंग है लैब्स हैं बच्चे हैं टीचर्स हैं स्टाफ है सारा एक मैनेजमेंट होता है लाइक like, एक मैनेज करना पड़ता है हर एक एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि उसके उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक यू नो प्रिंसिपल होता है वो क्यों होता है क्योंकि वो देख रहा है कि भाई सेट ऑफ़ क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं सफाई ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है मैनेजमेंट देखना कि भाई पंखे शंखे सब कुछ ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं तो मैनेज करना हर चीज़ को टाइमली सॉर्टेड तरीके से चलना तो मैनेजमेंट कहलाता है वैसे ही आ, हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि क्या होता है ना कि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कोई भी बिज़नेस करते हैं व्यक्ति तो हम ही बिज़नेस का यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा दिस बुक डील्स विद द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेज करने के कुछ कुछ तरीके होते हैं जब जिसको आ जाते हैं वो इफ़ेक्टिवली कोई चीज़ को कर लेता है ऑर्गेनाइज तरीके से हम कहते हैं ना कि हाँ हम अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें विन करेंगे उसमें एक यू नो स्ट्रेटजी बनाई होती है कि भाई अच्छा इतने डेज में मेरे इतने टॉपिक्स कंप्लीट होंगे इतने मंथ्स में मेरे इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एक अपना एक शेड्यूल्ड है तुम्हारा मैनेज करने की एक तकनीकी है इसमें आपने वर्क करना है इसमें आपने देखना है तो इस बुक में यही बताया हुआ है कि भाई किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं हम अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं कुछ अपना काम निकलवा सकते हैं किसी से अपना खुद कर सकते हैं कोई भी काम में गोल होता है लाइक like, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे एक गोल है हमारा अभी मैं ये यू नो डिस्कशन कर रही हूँ तो इसके पीछे मेरा गोल है कि मैं समझ जाऊँ कि मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली Uh, जब तक हम मैनेजमेंट को यू नो इमेजिन नहीं करेंगे थिंक नहीं करेंगे कि ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है क्रिटिकली नहीं सोचते हैं ना मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ स्किल की ज़रूरत होती है तो वही हम इस चैप्टर uh, में जानते हैं क्या रिलेशंस हैं भाई मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फ़र्क है क्योंकि हम स्कूल में जाके पढ़ ही तो रहे हैं ठीक है तो कैसे ये इनको रिलेटेड हैं अब मैनेजमेंट को समझते हैं थोड़ा मैनेजमेंट इन द सम फॉर्म और अनदर इंटेरिगल पार्ट ऑफ लिविंग एंड असेंशियल वेयर एवर ह्यूमन एफर्ट्स आर टू बी अंडरटेकन टू अचीव डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भाई जहाँ पर भी एक व्यक्ति एफर्ट्स कर रहा है प्रयास कर रहा है कोई भी काम को करने का वो क्यों कर रहा है ताकि उसका जो भी काम है छोटा सा छोटा काम या बड़ा सा बड़ा काम वो इफेक्टिवली या उसका ऑब्जेक्टिव उसको मिले उसको कंप्लीट हो लाइक like, मान लो कि एक व्यक्ति पौधा लगा रहा है ठीक है पौधा लगाते समय वो ये सोच रहा है कि भाई अगर मैं इसको पानी डेली देता हूँ या इसकी टेक केयर करता हूँ पौधे की तो डेफिनेटली ये हमें फ्रूट देगा राइट वो एक किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एफर्ट मार रहा है एफर्ट किसी में भी हो सकता है स्कूल में बच्चा जो पढ़ने आ रहा है क्लास में पढ़ रहा है वो एफर्ट मार रहा है अपना रोज़ वो सुबह उठता है आता है टीचर जब पढ़ा पढ़ाता नहीं है तो बच्चे को फील होता है वो बड़ी क्लासेस में होता है बट कहीं ना कहीं एफर्ट मार रहा है ना बच्चा वैसे ही टीचर को भी अपना एफर्ट मारना पड़ेगा तो सभी अपना अपना एफ़र्ट मारेंगे और मैनेजर जो कॉलेज को चलाने वाला जो प्रिंसिपल है वो भी अपना एफ़र्ट मारेगा कि भाई टीचर अच्छे से स्किल्ड हों अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें बच्चे के आउटकम अच्छे आ सकें तो इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है उनके ये प्रस्पेक्टिव गोल होते हैं कि भाई उनके स्कूल में से आज देखा कि स्कूल जो है एक बिजनेस बन चुका है होना नहीं चाहिए बट हो चुका है हम इसको डिनाइल नहीं कर सकते वो चाहते हैं कि भाई उनके स्कूल से भाई टॉपर ही निकले कोई इंडिविजुअल डिफरेंट भी हो सकता है भाई कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है कुछ यू नो क्रिएटिव गिफ्टनेस भी हो सकती है ज़रूरी नहीं वो अकेडमिकली ही हो राइट right? तो आ, कहने का मतलब है कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है स्कूल में जब हर एक एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से चल रही हो अफर्ट अफर्ट से तो जब भी कोई ह्यूमन एफर्ट करता है तो वो क्यों करता है भाई उसको उसको कोई डिजायरेबल गोल चाहिए होता है अचीव्ड गोल उसे चाहिए होता है तो मैनेजमेंट इज सम फॉर्म ऑफ अनदर नदर पार्ट ऑफ द लिविंग एक हमारे एक जीवन का अंग है अगर हम एफर्ट मारेंगे तो ही हम किसी चीज को प्राप्त कर पाएंगे अगर लेटे लेटे हम कहेंगे कि भाई हम आई बन जाए तो नहीं बन पाएंगे दिस इज द फैक्ट एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है कैसे ये मैनेजमेंट होता है अस टू लुक टूक कह रही सॉरी जैसे कि एक हाउस वाइफ है ठीक है वो कैसे अपने घर में मैनेज करती है हर चीज़ को लाइक मैनेजरियल इन्ग्रीडियंट्स इन द मैनेजिंग ऑफ फॉर द होम फर्स्ट ऑफ ऑल शी अप्रेज हर हाउस होल्ड एंड इट्स नीड्स ठीक है शी फॉरकास्ट द नीड्स एंड द हाउस होल्ड फॉर द पीरियड ऑफ वीक मंथ्स एंड लॉन्गर कहने का मतलब है कि एक हाउस वाइफ है उसको कोई किचन uh, के सामान लेने हैं या कोई भी यू you नो know, खर्चा करना है तो बजट उसके पास होगा वो मैनेज करती है कि भाई अच्छा महीने के अंदर मुझे इतनी दालें लेनी है इतना मुझे मसाले लेने हैं इतने मुझे यू नो लॉन्ड्री का सामान लेना है या सच थिंग्स राइट तो वो मैनेजमेंट होता उसका अपने लेवल पर ठीक एक छोटा सा एग्जाम्पल था डेंट मैटर कि इसको आप लिखो ठीक है कि कैसे वो अपने घर के जो भी बजट कैसे होगा एक्सपेंसेस कितने होंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कितने पैसे लगेंगे वो सारा उनको पता होता है कि कैसे अपना वर्क डिवाइडेड हो जाता है उसका कि इतने पैसे इसमें जाएंगे इतने पैसे इसमें जाएंगे इस तरह से मैं मैनेज करूँगी तो ये सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि भाई वो बेसिकली काम कर रही है ताकि उनके पैसे भी कम खर्चों और इम्प्रूवमेंट अच्छा है, अच्छे से अच्छा भोजन बन जाए अच्छे से अच्छा उनका जो काम कुछ सुचारू रूप से चल जाए और पैसा भी कम लगे तो कहने का मतलब है कि इफ़िशंसी अपनी रखती है उसको पता होता है कि भाई बजट कैसे बनाना है ये सब छोटी चीज़ है मैनेजमेंट एज अ सिस्टम इज़ नॉट ओनली द दसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज सोसाइटी इट इज़ अ इंडीरिगल पार्ट ऑफ लाइफ वी टॉक अबाउट मैनेजिंग आवर लाइव्स हम हमेशा कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ में मैनेज कर रहे हैं कर रहे हैं मैनेज कहने का मतलब क्या है मैनेज कर रहे हैं मतलब कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं अगर हम दो दिन नहीं नहाए तो हम मैनेज कर पाएंगे नहीं हम डेली उस डेली बेसिस पे करते हैं कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं आर्ट है ये और जिसको आ गया वेल मैनेज लाइफ इज बेटर ऑर्गेनाइज गोल ओरिएंटेड एंड सक्सेसफुल अब कोई ऑर्गेनाइज नहीं है अपने गोल्स के प्रति यू you नो know, जागरूक नहीं है वो कैसे ही सक्सेसफुल हो पाएगा अपनी लाइफ में जो वेल well मैनेज कहते हैं ना कि वेल well प्लान्ड हो आपकी एक्टिविटी टू डू लिस्ट बनाओ सुबह उठो एक्सरसाइज करो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में कुछ एडिशन करती हैं इसलिए बोला जाता है तो मैनेज लाइफ जो होती है वो आपकी लाइफ को गोल ओरिएंटेड बना देती है सक्सेसफुल बना देती है वैसे ही मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में ह्यूमन प्रोग्रेस की ठीक है एक ह्यूमन है वो अगर टाइमली हर काम कर रहा है टाइमली उठ रहा है टाइमली अपना पढ़ रहा है अपना अपना सिलेक्शन भी ले लेता है और अपना जीवन में अपना कमाना खाना शुरू कर लेता है तो कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में सोसाइटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है उसकी आइडेंटिटी काफ़ी कुछ अच्छी हो सकती है सब

पहले टाइम हमारा टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही कम थी तो बंदा इंफॉर्मेटिव नहीं था उसको समझ नहीं थी चीज़ों की तो वो इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में एडिशन तो होती थी क्योंकि जो उनके बड़े कह गए वही उनके लिए पत्थर की लकीर हो गई बट नाउ अ डेज अ क्रिटिकल थिंकिंग इज अनदर लेवल वो मतलब आप समझ नहीं सकते कि कैसे इंसान जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी पॉडकास्ट सुन के आज इतना अपना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है कहने का मतलब है कि ह्यूमन मटेरियल का और आ, जो भी है उसका यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को आसान और ब्यूटीफुल बना सकते हैं एक सक्सेसफुल बना सकते हैं वैसे ही एक मैनेजर वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का आ, चला रहा होता है ठीक है मैनेजर अगर अच्छे से मैनेज कर पाता है कोई भी चीज़ को अपने डिजायरेबल गोल्स को प्राप्त कर सकता है ठीक है अगर उसे पता होगा यू नो you know, कुछ मैनेजर बहुत केयरलेस होते हैं वो यू you नो know, कहते हैं इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन नहीं करते टाइमली टीचर्स के ऊपर यू नो वो नहीं देखते प्रेशर नहीं डालते तो उससे भी आ, काम गड़बड़ हो सकती है टीचर का टीचर को सम काइंड ऑफ इंकरेजमेंट और साथ में थोड़ा सी यू नो you ढिलाई know, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से काम तो करवाना है ना देखिए द मोर कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनाइजेशन मोर क्रूशियल द इज द मैनेजर रोल इन इट ठीक है अ गुड मैनेजर मेक्स थिंग्स हैपन मीनिंग क्या है अब इसका मैनेजमेंट थिंकर्स हैव डिफाइंड मैनेजमेंट इन देयर ओन वेज ठीक है अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one more goals. अब इसको समझते हैं set of activities. हम पहले भी समझ चुके हैं कि भाई set of activities हैं like school में assembly का होना, बच्चों का line by तरीके से classroom में जाना, मैम का classes में timely आना और timely curriculum complete होना, बच्चे का timely recess होना, timely play uh, playground में जाना लैब्स में जाना लाइब्रेरीस में जाना और सारी आफ्टर असेंबली प्रॉपरली व्हीकल सुविधा एंड स्टफ लाइक दैट ये सभी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में जैसे ही हम स्कूल में एंटर करते हैं एंटर से लेके घंटी से बजने तक से लेके क्लासरूम प्रेयर्स एंड स्टफ एंड जैसे ही बच्चा बाहर आएगा गेट के बाहर आएगा वो सारा चीज़ें क्या हैं एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्या करती हैं इफ़ेक्टिव अगर उन उसका यूटिलाइजेशन किया गया मान लो कि जो भी रिसोर्सेज़ हैं पंखे का यूज़ बच्चे की गर्मी को भगाने के लिए टीचर यूज़ करा डिजिटल बोर्ड का फॉर द यू नो लर्निंग्स के लिए गेम्स का ताकि बच्चा थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाए प्रॉपरली यू नो गेटिंग मिड डे मील्स लाइक स्कीम्स एंड ऑल दीज रिसोर्स ये जितने भी रिसोर्स की हमें बात की ये सारे यूटिलाइज हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंसली ठीक है वन आर मोर गोल्स इससे क्या होगा सेटअप एक्टिविटीज से क्या हो रहा है हम फालतू तो पैसा भी इसमें नहीं ठोकरे और ना ही हम क्या कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिमिटेड भी नहीं कर रहे हैं नॉर्मल रख रहे हैं जितनी जरूरत है उतनी इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी बच्चे के गोल हैं वो अचीव कर पाएगा भाई वो खुशी खुशी आया था और ख़ुशी खुशी ही घर जाएगा इसका ये परिमाण होगा तो वैसे ही एक मैनेजमेंट है मैनेजमेंट क्या है एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है और इसमें क्या होता है हम यू नो यूटिलाइज़ करते हैं फिज़िकल और यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज का जिसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव काम हो पाता है अब देखो इफेक्टिव और इफ़िशेंसी यूटिलाइजेशन क्या होता है दो देखो एक उत्तर फिजिकल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं क्लासरूम पंखे पानी प्लेग्राउंड्स लैब्स लाइब्रेरी बुक्स रिसोर्सेज ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज दैट कि जो टीचर्स हैं बच्चा है कुछ लाइक मैनेजर है ये सारे क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स फिज़िकल रिसोर्स में डिजिटल बोर्ड्स हो गए प्रोजेक्टर्स हो गए ये सभी चीज़ें ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जो मैन पावर है वो कितना अपना हंड्रेड परसेंट लेसन प्लानिंग कर रहा है क्लास में आते हुए उसकी लेसन प्लानिंग क्या एप्लीकेबल है भी या सिर्फ लेसन प्लानिंग ही है प्रॉपर इवेलुएशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा that dependent on the human resources. Next is informational resources like charts हो गए ये हो गया practical चीज़ें करके बच्चे को सिखाते हैं Financial resources मान लो कि पक्का खराब हो गया कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो finances properly हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रही तो ये चार चार प्रकार के यू नो यूटिलाइजेशन है इससे क्या होगा कि अगर ये प्रॉपरली होंगे ना तो आपकी ये मैनेजमेंट आपके अच्छा होगा उसके साथ मैनेजरल एक्टिविटीज़ लाइक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली डन हो हो पा रही हैं क्या आ, बच्चे को एक्टिविटीज़ के माध्यम से कोई भी चीज़ें को सिखाए जा रहे हैं तो अगर वो इफेक्टिवली होगी इम्प्लीमेंट तो क्या होगा कि वो बच्चे अपना कुछ लर्न कर पाएंगे गोल कर कर पाएंगे तो हम ये मैनेजमेंट से ही सीख रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट से ही हम क्या कर पाएंगे चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे और वर्किंग विद ह्यूमन फाइनेंसिस फिजिकल रिसोर्स टू अचीव दर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय परफॉर्मिंग प्लानिंग अब ये देखो प्लान करना ऑर्गेनाइज करना लीडिंग करना कंट्रोल करना फंक्शंस के यही क्या है मैनेजमेंट है मैनेजमेंट होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग ह्यूमन ये सारे रिसोर्सेज है ना और फिर हम गोल को प्राप्त कर लेते हैं मैनेजमेंट ये प्रोसेस बताइए कि भाई प्लान करोगे फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कर करके देखोगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है लीड करना जानोगे जो मैनेजमेंट कर रहा है ठीक है जो प्रिंसिपल है या कोई उसके ऊपर भी सुपरिटेंडेंट है वो ठीक है अगर वो कर पा रहा है ना तो मतलब प्लानिंग उन्होंने साथ में बैठ के की ठीक है स्टाफ एंड स्टाफ सारे मिलकर एक प्लानिंग करते हैं करिकुलम कैसा होगा फिर उसको क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई इतनी से इतने क्लासेस के बच्चों को ये वाला करिकुलम जाएगा अब देखो सिक्स क्लास का करिकुलम ट्वेल्थ क्लास को तो नहीं जाता धीरे धीरे ही आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं लीडिंग अब क्या ये लीड कर पा रहा है जो मैनेजर जो ये ऐसे बता रहा है कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए कंट्रोलिंग होनी चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए तो क्या वो लीड कर पा रहा है ये काम हो भी पा रहा है कंट्रोल करना आना चाहिए भाई टाइमली हर चीज़ों अगर वो ये चीज़ें कर पा रहा है तो वो मैनेजर है मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग इफेक्टिवली ये सभी सेम बार बार आ रहे हैं अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये क्या है क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट करते समय जब हम मैनेज करते हैं ना कोई चीज़ को तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है कि भाई हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है चल रही तो क्या करते हैं बंदा मैनेज करता है मैनेजमेंट क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा प्लान करेगा कि भाई मैं कैसे कैसे अपनी राइटिंग को सुधार सकती हूँ कौन से ऐसे तबके इसमें यूज़ कर सकती हूँ प्लानिंग करेगा फिर उसमें ऑर्गेनाइज करेगा भाई अच्छा इसमें ये ऐसा नहीं ये वाली चीज़ नहीं लगेगी चार्ट्स बना सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो निजी लाइफ की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है या फिर कोई मैनेजर या स्कूल में टीचर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व मैनेजमेंट से ही होगा वो, वो पहले अपने दिमाग में सोचेगा स्ट्रैटेजी बनाएगा मैनेजमेंट करेगा कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है कोई भी मैनेजमेंट को करने के लिए इंडिविजुअल वर्क करेंगे हर एक इंडिविजुअल अपना अपना काम करेगा तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा अगर वो कुछ ढिलाई विलाई हो जाती है तो दैट्स मेक्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वीकर ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्टन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके कुछ सर्टन गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए उन्होंने स्टाफिंग की होती है स्टाफिंग को पैसे दिए जाते हैं अलाउंस दी जाती है कॉम्पेंसेशन दी जाती है सो दैट कि वो अच्छे से काम करें अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है उसको टाइमली यू नो पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो ढीला पड़ जाता है अगर आपकी जो टीचिंग एबिलिटीज़ हैं अगर इन्हेंसिंग है उसको ट्रेंड करना उसको यू नो प्रॉपर गाइडेंस ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल्स में आता है कि भाई जैसे कि कॉलेज कॉलेज में भी हाई क्वालिटी एजुकेशन इच गोल्स में भी प्राइमरी सर्व द एजुकेशन नीड्स एंड द सराउंडिंग कम्युनिटी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटरिंग द कॉलेज टेन परसेंट इन टू टू ईयर टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस टू फॉर द पीपल ऑफकोर्स सच सर्विस एज अ प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉनिटरी टर्म्स फॉर दैट सेंस ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकॉनमी ये सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आ गया एफिशियंसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हर एक क्वेश्चन में आपने डालना ही डालना है कि भाई एफिशियंसी ज़रूरी है ये वर्ड जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो काफ़ी सुनने को मिलता है एफिशियंसी 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 होती है कि भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम अपनी जो कॉस्ट है अपना जो कॉस्ट है चाहे वो टाइम क्यों ना है चाहे वो मनी क्यों ना है चाहे वो अपनी एनर्जी ये तीनों चीज़ें अगर हमारी लग रही हैं तो हम उसकी कॉस्ट दे रहे हैं तो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनी तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं लाइक टाइम मनी एंड अलॉन्ग विद एनर्जी जो आप एनर्जी इसमें फूक रहे हो अपनी तो एफिशंसी अलॉन्ग विद इफेक्टिवनेस इफ़ेक्टिव इफेक्टिव तो बाद में होगा ना जब एफिशिएंसी अच्छी होगी द मोस्ट कॉमन वे द मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन करेक्टली मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस हमें देखना है कि भाई वो कैसा काम कर पा रहा है तो उसकी भाई आप क्या देख लो एफिशिएंसी देख लो कि एफिशिएंसी वो ढंग से कर पा रहा है ठीक है एफिशिएंट एफिशिएंट मैनेजर अचीव अ हायर आउटपुट विद गिवन रिसोर्स ऑफ टाइम टैलेंट कैपिटल जितना भी रिसोर्सेस दिया गया है समय आपको समय दिया जाता है भाई पंद्रह मिनट पढ़ाना है आपको और टैलेंट उसके साथ टैलेंट और साथ में कैपिटल ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं आपके रिसोर्स को फ्रूटफुल बनाते हैं कहने का मतलब है कि आपके काम में एफिशेंसी आई है कि आप हाँ, किसी भी चीज़ों को बिना बेस्ड किए हुए डूइंग थिंग डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे एट द राइट टाइम यह आप नोट कर लो प्लीज़ ये वाला लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कह रहा है कि इफेक्टिवनेस uh, छोड़ो ये मैं तो कुछ और ही बोलने लगी कहने का मतलब है कि जो एफिशिएंसी है वो जितने भी आपके रिसोर्स गिवन रिसोर्सेज हैं उसमें टैलेंट के साथ और अपना कैपिटल ये सब चीज़ें जब लगती हैं तो आप क्या बोलते हो फुली यूटिलाइज विदाउट वेस्ट आप किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं करते आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्लास में जितने रिसोर्सेज हमें मिले हैं पढ़ाने के लिए हम उसी के माध्यम से बच्चे की लर्निंग अडाप्ट कर पा रहे हैं और टैलेंट आपका अगर क्रिएटिव माइंड है ना तो आप सस्ते से सस्ता क्लासरूम में भी पढ़ाने की वो रख सकते हो क्या कहते काबलीत आपकी काबिलियत ही क्या बता देती है कि एफिशेंट आप कितने होंगे ठीक है तो पहला बात है कि भाई आपके अंदर टैलेंट हो पढ़ाने का टैलेंट हो पैडागोजी हो आपके पास मैथड्स हों तरीक़े आपको पता हों कि भाई आपने ये टॉपिक है इसको कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हो ये आपके टैलेंट पर निर्भर करता है दूसरा आपका टाइम जो भी जितना भी आपको टाइम मिलता है भाई बहुत जल्दी क्लासेस हो जाती हैं बहुत लंबी क्लासेस होती हैं तो आप कैसे इतने घंटे या थोड़े टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे ये आपकी एफिशिएंसी कहलाती है इनका यूज़ करते हुए आप अपने काम को अंजाम देते हो या गोल को अचीव करने में एफर्ट डालते हो तो कहने का मतलब है कि आप एफिशिएंट हो ठीक दूसरा इसमें आता है इफ़ेक्टिवनेस इफ़ेक्टिवनेस क्या है डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे एट द राइट टाइम सही समय पर सही तरीके से सही चीज़ें कर लेना क्या कहलाता है इफेक्टिवनेस कि भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं ठीक है इफ़ेक्टिवली कोई भी काम हमें कर रहे हैं तो उस समय वही समय होता है हमारा राइट right, ठीक है राइट right समय पे राइट right तरीके से हम अच्छा मेथड चूज़ कर सकते हैं और कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपना यू you नो know, स्वार्थ ना देखकर जो हम हमारा गोल है उसके लिए हम अफर्ट मार रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है इफेक्टिवनेस हम अपनी इफेक्टिवनेस उसको जनरेट कर रहे हैं तो सक्सेसफुल मैनेजर जो होगा वो इफेक्टिव होगा और राइट थिंग्स एट राइट टाइम पे करता है ज़रूरी नहीं है अब जरूरत है ही नहीं तो फिर भी करवाया जा रहा है यू नो एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं जिस चीज़ में लेक्चर मैथड यूज़ होता है भाई लेक्चर ही करवाएगा इस चीज़ में भाई एक्टिविटीज़ के माध्यम में बच्चे सीखना चाहते हैं लर्निंग इफेक्टिव करना चाहते हैं तो वो वो भी करवाएगा टाइमली यू नो डिजिटल बोर्ड की अभी मांग इतनी उ, उठ चुकी है तो वो वो भी अलाउंस करवाएगा हर एक यू नो ऑडियो विजुअल एड्स को इम्प्लीमेंट करवाएगा तो ये मैनेजर सेलेक्ट करेगा भाई उसकी इफेक्टिवनेस के बेसिस पे कि वो कितना इफेक्टिव है स्कैर्स रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज भाई एक तो इंसान समय और पैसा ये सारे जो भी मटेरियल हमें मिलते हैं वो लिमिटेड और ऑल फाइनेट हो सकते हैं दे ऑल आर स्क्वायर्स इन नेचर नॉट एक्सपेंडेबल एडिशनली देर इज अ फेड्स कॉम्पिटिशन फॉर एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट बेसिकली इज अ ट्रस्टी शिप ऑफ दीज रिसोर्सेज हेंस मस्ट मे कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक द मोस्ट ऑफ़ दिस रिसोर्सिस भाई उतने ही रिसोर्स लोग ना जितनी ज़रूरत है अब इतना फालूदा ले कर बैठे हो जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है जीवन में वो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है कम रिसोर्सिस में भी आपका कुछ नहीं हो सकता कहते हैं ना कि एफिशेंसी में बिलीव करना चाहिए भाई क्यों क्या उसकी जो आउटकम्स हैं वो आप देख पाओगे जिस यहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ तो चाहिए ही अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप आउटकम भी तो एडजस्ट में ही करोगे चेंजिंग इन्वामेंट द डायनेमिक ऑफ ऑफ इन्फ्लुएंस इन्फ्लुंस द चेंजेस इन इन द लास्ट फ्यू ईयर एंड एडवेंट ऑफ कम्युनिटी देखो कैसे चेंज हो रहा है इन्वामेंट कैसे पहले सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड होता था एक दीवार में घिसा हुआ एक ब्लैक बोर्ड होता था वो भी ऐसे यू नो प्लास्टर का बना हुआ होता था, था. और उसमें चौक से टीचर ने जो लिख दिया वही लिख लिया कहने का मतलब है कि अब कितना चेंजेस आ गया फ्यू ईयर्स में ही जैसे ही कोरोना आया वैसे ही हम स्विच हो गए बिल्कुल ऑनलाइन अब कहाँ जहाँ हम पता ही नहीं था कि सिर्फ फ़ोन में हम देख सकते थे भाई कोई वीडियो अब कैसे ट्रांजिशन आ गया बिल्कुल डिजिटल बोर्ड में टीचर लिख रहा है पढ़ा रहा है ऑडियो दिखा रहा है भाई फोटो दिखा रहा है गूगल की मदद ले रहा है टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है अपना कैमरा यू नो यूज़ कर रहा है लाइव टीचिंग कर रहा है अपनी क्रिएटिव माइंडसेट को बढ़ा रहा है पिपटी बना रहा है ये सारी चीज़ें क्या है चेंजिंग इन्वामेंट इसको अडॉप्ट करना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है टीचर को पता होना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट यू नो विद द टेक्नोलॉजी उसको कंप्यूटर से लेकर डिजिटल बोर्ड से लेकर यू नो लैपटॉप से लेकर माउस uh, से लेकर स्टाइलस uh, से लेकर अपना पेन टॉप पेन टैप से लेकर यू नो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी uh, साउंड होना चाहिए टीचर आज के टाइम पे यार तो कहने का मतलब है जिसने इसका यूज़ नहीं करा ना तो वो तो फिर टीचर कुछ लैक कर रहा है उसमें कुछ यू uh, नो you know, कुछ प्रॉब्लम um, हो सकती हैं डायनेमिक ऑफ़ इन्वायमेंट इन्फ्लुन्स बाय द चेंजेस एंड टेकन प्लेस इन ऑल द एरियाज लास्ट फ्यू इयर्स द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे ऑफ असेसमेंट ऑफ इन्वॉर्मेंट अब बहुत सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से भाई हमने एक लिस्ट बना दी पावर पॉइंट में हम गए वहाँ पे हमने अपनी पीपीटी बना ली एम uh, एस वर्ड में गए हमने वहाँ पे अपनी यू नो लेटर्स लिख लिए टाइपिंग करके वहाँ से निकलवा लिए प्रिंटिंग यू नो पेपर्स हो गए लाइक like, असेसमेंट हो गई इजी वे हो गया है पर उतना भी कॉम्प्लेक्स भी हो गया है अगर जिसको नहीं आएगा उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा uh, जैसे हम कोई कैलकुलेटर्स लाइक uh, like, हमें कोई बच्चे की असेसमेंट करनी है ठीक है समेटिव असेसमेंट तो हमने नंबर अब कंप्यूटर में डालना शुरू कर दिए यूनिट टेस्ट हो रहे हैं ये वाला असेसमेंट बिहेवियर असेसमेंट स्पोर्ट्स में कैसा है उसका ब्योरा हम ऐड ऑन कर सकते हैं यू नो कंप्यूटर के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं टाइमली तो हमें इसके साथ एडजस्ट करने के साथ हमें इसको कैरी डाउन करना पड़ेगा एक मैनेजर को इसका भी ध्यान रखना होगा अब मैनेजमेंट है तो भाई वो स्कूल चला रहा है उसको सबके कलेक्शन ऑफ थॉट्स को ले ले आगे चलना होगा ताकि वो अपने डिजायरेबल गोल्स को प्राप्त कर पाए अब वोकेशनल कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन द सिक्स क्लास सिक्स क्लास के ऑनवर्ड्स सिक्स टू सेवन्थ में वोकेशनल ट्रेनिंग uh, दी जाएगी भाई अब सोचो सिक्स क्लास में कौन सी ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा जानी चाहिए बच्चों को जिससे कि बच्चे को पता चलेगा कि भाई उसको क्या करना है जीवन में क्या स्किल डेवलप करनी है तो वोकेशनल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है कि भाई सिक्स क्लास से बच्चे को वोकेशनली साउंड होना है ये होता है चेंजिंग इन्वामेंट जैसे कि एन अगर हम देखें एन सॉरी एन ई पी सॉरी तो उसमें काफ़ी चेंजेस हमें देखने को बोलते हैं कि टीचर को क्या क्या करना है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट मस्ट बी प्रिपेयर और प्रोडिक्ट दीज चेंजेस एंड फार्मुलेट बेज अवीन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या है एक यूनिवर्सल है भाई ठीक है यूनिवर्सल कैसे नो डाउट मैनेजमेंट अकैडमिकली बॉडी ऑफ नॉलेज हैव कम अलॉन्ग विद लास्ट फ्यू ईयर्स ग्रोन एंड गेंद एक्सेप्टेंस ऑफ of over the world, management continue the misunderstood and misuse. Study of process of management reveals the following points and about the nature. hamesha हमेशा hoga होगा हमेशा ही होगा हर चीज़ में मैनेजमेंट की जरूरत होती है यूनिवर्सल है भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ है कोई भी एक्टिविटी कर रहा है ह्यूमन तो वो मैनेज करके चलता है भाई मेरा पैसा कम कम खर्चा हो और मैं अपना आउटपुट ज़्यादा निकाल पाऊँ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता बट सम पीपुल्स टेक रिस्क यू नो अपना कितना पैसा डुबा देते हैं लोग अपने रिस्क के चक्कर में एक्सपीरियंस भी उससे गेन होता है बट हम फू फूक पे कहते हैं ना फूक फूक के अपना पैर कदम रखना चाहिए तो मैनेजमेंट भी वैसा ही बताता है हमें कि हमें थोड़ा खर्चा करके अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है भाई कैसे निकालना है वो सिखाता है मैनेजमेंट हमेशा ये यूज़ होता है भाई हर जगह हम यूज़ करते हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ में ये यूज़ होता है बेसिक इसका नेचर है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट मैनेज manage करना ठीक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली भाई हम मैनेज क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ को नहीं हम सोए नहीं रहे हम चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं भाई इस अभी पेपर है सिक्स सिक्स मई को मेरा पेपर है अच्छा मुझे ये ये चीज़ें चीज़ें पढ़नी हैं किसी भी हालात में हम हर चीज़ छोड़ देते हैं अपने पेपर को कंप्लीट करने में तो कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए मैनेज कर रहे हैं ना किसी चीज़ को ताकि हमारे पेपर में पास हो जाए तो प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन कह लो कि भाई इसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द लैंड लेबर कैपिटल पैसा चाहिए दूसरा टाइम लोग चाहिए और साथ में जगह चाहिए ठीक है तो गुड्स सर्विसेज हो गई स्किल्स ये सारी चीज़ें गोल ओरिएंटेड होती है भाई ऑब्वियसली मैं वही अभी बता रही थी मैं शायद ये वाला बता दिया मैंने मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड क्योंकि ये हम कोई भी चीज़ चाहते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्यों क्योंकि उन्हें जीतना है चार सौ पार लानी है सेम एज़ विद द टीचर्स टीचर चाहते हैं कि भाई उनकी अलाउंस अच्छी हो जाए अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छी हमें अलाउंस मिलेगी बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छे सा भविष्य उनका निर्माण हो जाए हर कोई अपने यू नो गोल ओरिएंटेड के लिए काम कर रहा है तो मैनेजमेंट भी यही सिखाता है कि भाई गोल ओरिएंटेड होता है सुप्रीम इन द थॉट एंड एक्शन मैनेजमेंट जिसने किया होगा या करवाया होगा तो उसे पता होगा कि भाई सुप्रीम है हमारे थॉट्स प्रोसेस हम कैसे सोचते हैं हम कैसे कर सकते हैं हम अपने uh, कैसे इसमें और इफ़ेक्टिवनेस ला सकते हैं एक्शंस में तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज कलेक्शन ऑफ विजडम एंड सेंस ऑफ इमेजिनेशन ऑफ इट्स इन मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि भाई मैनेजमेंट uh, करते समय हमें अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है हमें इमेजिन करना पड़ता है कि भाई ये क्या है भाई गए कहाँ से आ गई द ऑब्जेक्टिव शुड बी नाइदर टू हाई साउंडिंग और डिफिकल्ट टू अचीव अब हम इतना बड़ा गोल बना लेंगे कि भाई करोड़पति बनना हमें ठीक है मैनेजमेंट करके क्या है भाई हम यहाँ पे ढींगी नहीं आंखेंगे, अब अपनी काम को उतना ही प्रियोरिटी देंगे कि जितनी हमें ज़रूरत है कहने का मतलब है कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं कोई चीज़ को तो अचीवेबल हो ये नहीं कि कुछ भी सेट करके बैठ गए हम लॉन्ग लास्टिंग गोल होना चाहिए डेफिनेटली होना चाहिए बट स्मॉलर पार्ट्स में अगर डिवाइडेड नहीं होगा उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव कर पाएंगे मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है भाई ऑब्वियसली चार लोग होंगे साथ में तो ही काम हो पाएगा अकेले कोई सोचेगा कि मैं ही महान हूँ मैं ही कर सकता हूँ नेवर पॉसिबल हम साथ में मिलकर फ्यू इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट को इफेक्टिव एफिशिएंसी बनाते हैं किसी भी कंपनी को हाई रेट पे लेके जाते हैं तो वो उनकी उनके जो वर्कर्स होते हैं उनका काम एफिशिएंट होता है इसीलिए वो आगे पहुंच पाता है तो ग्रुप एक्टिविटी है भाई कोऑपरेटिव डायनेमिक फंक्शंस हो सकते हैं मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं है कि यू you नो know, आप एक ही काम करोगे आपको बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है ठीक है समाज में रहना है भाई लोगों की क्वालिटीज़ अलग अलग उनके काम होते हैं अलग अलग उनकी डिफरेंसेस होते हैं समाज में रह के उनके साथ उनके बिहेवियर को झेलते हुए मैनेजर ने क्या करना है जीवन को जीना है और ये सभी चीज़ें सोशल साइंस में आती हैं कि भाई सोशल वैल्यूज़ सोशल बिलीव्स इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग और साथ में काम कर रहे हैं तो कैसे कैसे वो यूनाइट होंगे कैसे वो काम करके देंगे किसी भी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऑर्गन ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है अगर कोई भी सोसाइटी अच्छे से वर्क कर पा रही है अच्छे से चल पा रही है या यू you नो know, कोई भी हल्ला हल्ला नहीं मच रहा है या कोई भी राइट्स नहीं हो रहे हैं इंडिया में तो वो मैनेजमेंट का ही एक फलस्वरूप बात है कि हर एक जगह पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है अपना मैनेज कर रही है वहाँ पे पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स हैं पर्टिकुलर तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी मांगे पूरी हो रही हैं तभी क्या हो रहा है कि चीज़ें चल पा रही हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ प्रॉपर अलॉटमेंट रिक्रूटमेंट यू नो डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग ये सब चीज़ें नहीं हुई तो सोसाइटी तो फिर अफगानिस्तान जैसी हो जाती है एनी ज़्यादा ही बोल दिया मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मैनेजमेंट क्या है एक सिस्टम है कि क्या करते हैं कि मैनेजमेंट में व्यक्ति काम कर रहा है ठीक है उनसे काम करवाना और उनसे काम लेना और उनसे बात करना एक अथॉरिटी है लाइक यू नो उनसे कैसे बातचीत करनी है हारमोनीस यू नो रिलेशंस होने चाहिए उनके कलीग्स के साथ अगर वो ढंग से पेश नहीं आएगा वो कैसे काम करके देगा ठीक तो है तो वही हारमोनियस अरेंजमेंट्स है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव क्या है क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं मैनेजमेंट के क्यों किया जाता है मैनेजमेंट भाई ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करते हैं प्लान करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं डायरेक्ट करते हैं किसी को कोऑर्डिनेट करके को कंट्रोल करते हैं और सारी ये एक्टिविटीज़ सुचारू रूप से चले इसी को क्या कह देते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं भाई फाइनेंशियल हो गया कि भाई बजट देना है कंट्रोल बजटरी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए फाइनेंसिंग प्लानिंग करनी पड़ती है भाई कुछ भी उठा के कहीं से फंड मान लो दस लाख रुपया आया किसी उसका किसी भी कंपनी का फंड तो भाई वो या उसके पास खुद भी वो लगाना चाहता है तो उस उसको, उसको प्लानिंग करनी आनी चाहिए फाइनेंसिंग की भाई कैसे वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ में पैसा लगाएगा बजटिंग कहलाती है क्वालिटी होनी चाहिए ये नहीं कि भाई ज़रूरत थी भी नहीं और ले आए चीज़ें तो कहने का मतलब है कि क्वालिटी जितनी ज़रूरत है उतनी भाई पैसा एक्स्ट्रा तो हमारे घर पहुँचा देना पर्सनल मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट होता है कि भाई रिक्रूट करना ट्रेनिंग देना बच जो भी टीचर है वो अच्छे से पढ़ा पाए उनको टाइमली सिखाना समझाना सीनियर्स के द्वारा या आपस में ट्रांसफ़र कैसे ट्रांसफ़र करना प्रमोट करना रिटायरमेंट uh, की टर्मिनेशन कैसे होती है लेबर वेलफेयर्स एंड स्टफ ऑल दिस इंक्लूडिंग पर्सनल मैनेजमेंट नेक्स्ट इसमें आता है कि परचेजिंग मैनेजमेंट कि भाई कोई चीज़ को हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं कोई भी चीज़ बना रहे हैं कोई न्यू बिल्डिंग कमरा कुछ भी बना रहे हैं तो उसका क्या क्या वाजे आती रहती हैं भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टाइम मोशन मेंटेनेंस भाई जो चीज़ें ला ली गई हैं या देख ली गई हैं या फंड बहुत था तो लिया है तो मेंटेन मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमने लगाई है कॉलेज में या स्कूल में प्रॉपर उसकी टेक केयर हो रही है मेंटेनेंस के लिए भी पैसे लगते हैं प्लांट करने के लिए मशीनरीज मशीनरीज कोई भी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये भी देखना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस मैनेजमेंट कि सब में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा प्रॉपरली डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इंटर क्या होता है भाई आपस में आ, होना चाहिए फॉर द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इज इन इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स अब देखो कि भाई कॉमर्स क्यों बोला जा रहा है कॉमर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कॉमर्स क्या सिखाता है कि भाई कितना हम ट्रेड करें क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो किस तरीके से करें हम बिज़नेस ये सारी जानकारी बिज़नेस के बारे में बताती हैं दूसरा इकोनॉमिक्स कितना हमारा खर्चा हुआ क्या चीज़ें हो रही हैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा लेन देन थोड़ा वो उसको सशोलॉजी कि भाई सोशल वैल्यूज़ टीचर के साथ बच्चे के साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्स ये सब ना हो साइकोलॉजी बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे की नीड के हिसाब से टीचर की नीड क्या है एडमिनिस्ट्रेटर की नीड क्या है इस सब की साइकोलॉजी मैथमेटिक्स भाई पता तो चले कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं कितने पैसे लग रहे हैं कितनी फाइनेंसिंग हो रही है क्या बजटिंग कॉस्ट एनालिसिस जैसे कंसेप्ट इसमें आते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव चीज़ें हो अच्छे से एजेंट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंस क्या है क्यों है ज़रूरी मैनेजमेंट भाई मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ नी मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ चेंज देखो कि हर हर टाइम पे ना एक ही तरीके की स्किल नहीं चल सकती उसमें डाइवर्सिटी होती है डाइवर्सिटी होती है चेंजेस होते हैं कुछ चीज़ें हमें अडाप्ट करनी पड़ती हैं समय के साथ जिसने कर ली वो सक्सेसफुल हो जाता है और जिसने नहीं करी वो रह जाता है किसी कोने में पढ़ा कहने का मतलब है कि जैसे कि ट्वेंटी ट्वेंटी uh, में जैसे ही करोना आया तो देखा कि भाई स्कूल पढ़ाई हो ही नहीं रही है तो स्कूल बिल्डिंग किस काम की राइट ब्लैक बोर्ड किसके काम के तो क्या हुआ ड्रास्टिक चेंज आया सब टीचरों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करा घर से बैठ के कैसे बच्चे की प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन uh, किया जाए ऑनलाइन बैठ के घर बैठ के बच्चा कंफर्टेबल होकर अपने घर में बैठ के वो पढ़ रहा है कहने का मतलब है कि ड्रास्टिक चेंजेस के साथ जिसने अप्लाई कर लिया जिस टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर लिया उसका आज अच्छा चल रहा है मतलब ज़िंदगी अच्छी चल रही है और जिसने नहीं अडॉप्ट किया होगा जिसको ये उचित नहीं लगा होगा उस टाइम पे तो आज वो कहीं ना कहीं ऐसे धर धर भटक रहा होगा कहने का मतलब है कि अब तो बेसिकली बेसिक बैक टू द बेसिक्स स्कूल में ही टीचर पढ़ाता है क्योंकि वो ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकता है ऑन द स्पॉट बट ऑनलाइन भी कुछ डिफेक्शन हैं कुछ अच्छे प्रो एंड कॉन्स भी हैं तो कहने का मतलब है कि जिसने टाइम के साथ अपने अपने आप को चेंज किया वो पाता है कि भाई उसने कुछ अपने जीवन में कुछ नया किया है मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ यू नो मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर जितना साइंस मॉडर्न टाइम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिजनेस में बिज़नेस की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सेवन सेवन क्या होते हैं भाई ये देखो व्हाट इज़ दैट यूटिलाइजेशन ऑफ़ मैन मटेरियल मनी मशीन हाँ ये सेवन एम है कहने का मतलब है कि मैन है इंसान आदमी मटेरियल हो गया चीज़ें मनी होगी पैसा मशीन मैन मटेरियल मशीन मनी मेथड्स मार्केट्स एंड मैनेजमेंट वाओ नाइस ये आप रख लेना ठीक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि भाई रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो गुड मैनेजमेंट प्रोसीजर good business by creating vital dynamic and life giving process oh sorry forces providing manage direct and organization मैनेजमेंट क्या करता है डायरेक्शन देता है इंसान को कि भाई ऐसे ऐसे काम करना चाहिए ऐसे तुम ऑर्गेनाइज कर लो इंटीग्रेट वेरियस इंटरेस्ट अब क्या होता है कि मैनेजमेंट करने में हमें बहुत सारी थिंकिंग की ज़रूरत होती है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये काम करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा ये काम करेंगे तो ये होगा तो हम क्या करते हैं हम बहुत सारे यू you नो know, उसमें अपने विचार अपने इंटरेस्ट अपने यू you नो know, सब के बारे में सोचते हुए हम किसी चीज़ के चीज़ में डिसीजन लेते हैं द देर आर वेरियस इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स दैट पुट प्रेशर ओवर द ग्रुप मैक्सिमम शेयर इन द टोटल आउटपुट कहना का मतलब है कि बहुत सारे प्रेशर मिलते हैं लाइक like, अगर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा है लाइक इंस्टीट्यूशन बनाने का कॉम्पटिशन चल रहा है कि दो स्कूल्स हैं वो कह रहा है कि मेरे स्कूल से टॉपर्स निकलेंगे दूसरा बोलता है मेरे स्कूल से निकलेंगे तो ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है या वास्ट यू नो इसमें क्या हो रहा है कि आपके आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का कि भाई हमें भी अपना आउटपुट अच्छा देना होगा जनरेट करना होगा ताकि आ, हमारा भी स्कूल जो है वो जीवन में सब इसका एग्जाम्पल सेट करें एनी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आ जाती है बंदा तरीके से अपना जीवन चलाना शुरू करता है अपने रिसोर्स का अपना सोच के यूज करता है अपने स्टेबिलिटी मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आती है चेंजिंग से मॉडिफाइंग से ठीक है जैसे जैसे समाज इन्वामेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैनेजमेंट की प्रक्रिया तरीके प्रोसेस चेंज हो रहे हैं मैनेजमेंट प्रोवाइड इनोवेशन इनोवेशन क्या होता है भाई मैंने अभी कहा कि जब हम मैनेजमेंट uh, करते हैं मान लो कि कोई हम किसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करके और उसके लिए हम क्या करते हैं कोई आइडिया सोचते हैं अकेले एकांत में बैठ के हम किसी चीज़ को उस बारे में सोचते हैं इमेजिन करते हैं विज़न रखते हैं दिमाग में कि भाई अच्छा आने वाले दो सालों में मैं अच्छा ये बन जाऊंगा अच्छा ये कर लूँगी या हमारे आने वाले साल में हमारे स्कूल से एक वेल well नाउंड बच्चे निकलेंगे तो कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक अच्छी इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है विजन की ज़रूरत होती है ताकि हर चीज़ें बेटर हो सकें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश टीम स्पिरिट क्या होता है कि मैनेजमेंट में हम अकेले काम नहीं कर सकते हम सभी मिलकर करते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस आती है कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है एक व्यक्ति काम करने से नहीं होता है मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन टीचर अपना काम कर रहा है बच्चा अपना काम कर रहा है मैनेजर अपना काम कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन कहलाता है स्टेब्लिश टीम स्पिरिट टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम टूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इससे क्या होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि भाई हाँ इतना टाइम देंगे हमारी स्पीड एफिशिएंसी बढ़ती है हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं हम तरीका सीख जाते हैं हम कैसे बातचीत करें हमारा कम्युनिकेशन सुधरता है ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से होती हैं अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाइडेंस पे बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कोई चीज़ हम गाइड कर रहे हैं या लीडरशिप जिसे हम कह देते हैं कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स द कॉमन गोल्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आर यूज टूगेदर एज administrative management। अब management होता है operative management और जो आ, कहने का मतलब है कि दोनों काफ़ी डिफरेंस है थोड़ा little differences में क्या डिफरेंस है इसमें देखते हैं डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करता है फंक्शन ऑफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that concerned with the policy determination coordination of finances production or distribution of executive establishing काफ़ी स्ट्रक्चरल यहाँ से समझते हैं टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट तो सब मिलके जो भी है टीचर उचर ये सब मैनेजमेंट में आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनके भी ऊपर कोई बैठा होता है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है चीज़ों को देख रहा होता है ऊपर बैठ के सब मालिक एक तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रॉडर देन ऑफ देन दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ ट्रू दैट प्लानिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट ब्रॉडर एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इक्वली वैलिड दैट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इ रिस्पेक्टिव ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैज़ टू हेज़ टू डू सम पॉलिसी मेकिंग एलॉन्ग विगजीक्यूशन एनीवेज मैनेजमेंट एक आर्ट है मैनेजमेंट इज एक साइंस है साइंटिफिक तरीके से हम कोई चीज़ को सोचते हैं एक प्रोफेशन भी हो सकता है मैनेजमेंट स्किल पर्सन ही कर सकता है और हम देखेंगे स्किल इज नॉट फुली डेवलप्ड ये है मैनेजमेंट के फंक्शंस भाई क्या काम करता है पाँच प्रकार के फंक्शंस हैं प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइज करता है स्टाफिंग करता है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ठीक है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एजुकेशन मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें इसमें हैं ये अभी थोड़ा बाद में देखते हैं गाइस तो लन बाय बाय टेक सी यू